मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक रखे। जी तो आज के हमारे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के 9 बजे, क्योंकि लेट हो गए। पहले सुबह मैं ले गया था अपने वालिद साहब को कुछ कबूतर देखने थे, और साथ में एक खोखी भी छोटी देखनी थी। वो छोटी खोखी तो ले आए, और कबूतर भी 10-15 थे, वो भी साथ में ले आए, तो इसीलिए टाइम नहीं मिला। तो अभी 9 बजे व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं शुरू। अभी मैं आया हुआ अपने वालिद साहब के पास दुकान पर। मैं कबूतरों के ज़्यादा करीब नहीं जाता, क्योंकि एलर्जी है मुझे, सांस की प्रॉब्लम है। इस वजह से कबूतरों की दर्जी जो होती है खाका, उस वजह से मुझे एलर्जी होती है। लेकिन क्या करें, इसके बगैर रह भी नहीं सकते, क्योंकि वालिद का काम है, जिस वक्त बुलाते हैं काम करना लाजमी होता है, तो उसके साथ आता हूँ। अभी वो गए हुए हैं बाहर कुछ सामान लेने के लिए दुकान पर, तो मैं आया बैठा हूँ दुकान से थोड़ा दूर। ये देखें, यहाँ पर बर्तन भी बन रहे हैं, कुम्हार जो अपना काम कर रहे हैं। ये देखें, होलसेल का काम, हर चीज़ मिलती है यहाँ पर। ये पीछे गाड़ी भी खड़ी है, बड़ी गाड़ी बनने के लिए। ये छोटी खोखी थी जो हम लेने गए थे, ये अभी एक ले कर आए हैं, क्योंकि किसी को देनी थी। बंदे ने कहा कि मुझे छोटी चाहिए, तो इसलिए ये 20-25 कबूतर इसमें खुले आ जाएंगे, 30 कबूतर, तो इसलिए ले आए हैं, वो ले जाएगा। ये चाचा सरदार जा रहा है। तो अभी मेरे वाले साहब दुकान पर आ गया, और मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। जी तो आज के हमारे दोपहर के खाने में हमने बनाए आलू और बैंगन की रेसिपी। आलू और बैंगन बहुत ही अच्छे बनते हैं, और मुझे बहुत पसंद है। आए जो भी खाना चाहे तो तैयार है, साथ में ये रहता भी है, और ये रोटी। अभी खाना शुरू कर रहे हैं बैंगन और आलू के साथ, और साथ में रहता। जी तो अभी जैसे मैं खाना खाता हूँ दोपहर का, ये शाम का 3 टाइम में टैबलेट खाता हूँ, किसी वक्त छोड़ देता हूँ। अब टाइम हो गया टैबलेट खाने का, तो मेरा बेटा खिला रहा है। राजी और खिलाओ, अभी पानी पानी पहले दूध दे रहे। जी तो आज हमने असर के टाइम पटाटो मीन आलू, आलू को हमने आज आग पर पकाया है, आग के ऊपर रख दिया था, और अभी पका कर इन्हें खा रहे हैं। मेरे बच्चे का शौक है, उसे पसंद है। ये देखे कैसे बेकरार है आलू खाने। अच्छा छिलका उतारते हैं फिर खाते हैं। जी तो मेरा बच्चा अब आलू आग के भुने हुए खाएगा। मूसा ये क्या है? आलू है? आलू आलू है? अच्छा पसंद है तुम्हें? चलो छिलका उतारते हैं फिर खाना है। चलो चलो एक मिनट रुको, मैं छिलका उतार देता हूँ, ठीक है? लपे आती है धुआं बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम की सूर तो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, वो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीन, जिस तरह फूल होती है चमन की जीन, जिंदगी हो मेरे पान की सूरत, या रब इनकी शम्मस हो मुझको मोहब्बत, या रब हो मेरा काम गरीब की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, नेक जोड़ा हो उस राह पे चलाना मुझको, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी। रात के 9 बज रहे हैं, और बच्चों की फरमाइश है कि पीस और बर्गर चाहिए, चिकन पीस
वो छोटे बच्चों के लिए चिकन पीस लेंगे और बड़े बच्चों के लिए लेंगे बर्गर। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ चिकन पीस लेने और बर्गर लेने के लिए, वहाँ जाकर पता चलेगा कि कैसे हैं। एक न्यू होटल खुला है जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पीस और बर्गर बनाए जाते हैं, तो वहीं जाकर पता चलेगा कि कैसा है टेस्ट। यहाँ से मैं चौक चाचा बस्ती से लेता हूँ, लेकिन वो बंद हो गया। वहाँ पर टिक्का बोटी की सीखें थी लेकिन पीस नहीं थे। अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे होटल पर। ये देखिए, ये दुआ चटखारा चस्का फास्ट पॉइंट है जो कि न्यू खुला है। यहाँ से ले रहे हैं पीस, चिकन पीस और बर्गर लेंगे दूसरी, वहीं चौक चाचा बस्ती से। वो बहुत अच्छा बनाते हैं। ये है वो जगह, ये देखें पिज्जे का भी सिस्टम है। ये ऑर्डर दे दिया और अभी जी, तो अभी पीस मिल गया और मैं जा रहा हूँ वापसी, वहाँ से बर्गर लेने, चौक से बर्गर लेके फिर वापस जाऊँगा घर और बच्चों को दूँगा। यहाँ 15-20 मिनट लगा दिए हैं पीस वाले ने। उसने कहा कि हम फ्रेश बनाते हैं, पहले फ्राई करके नहीं रखते, जो बाद में बस गर्म करके आपको दें। हम उसी वक्त ही तैयार करके फिर देते हैं। तो अभी ले कर वापसी जा रहा हूँ। ये है बर्गर वाली शॉप जहाँ पर पीछे ये स्टोर भी है इनका, और यहाँ भी शोरमा बनाते हैं। ये देखें, चेक करें, शोरमे का पॉइंट भी बना हुआ है और माहौल भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। ये बर्गर वाले कम से कम 2-3 बजे तक खड़ते हैं। अहमदपुर शरकिया में सबसे ज़्यादा लेट यही खड़ते हैं, यहाँ पर लेट 3 बजे ये वापसी जाते हैं। अब ये देखें बर्गर तैयार हो गया, ये देखें बंदा हैरान हो रहा है जी। दो कर रहे, ये देखें माशाल्लाह कैसे बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ये शामी और अंडे का बर्गर है, अभी सलाद डाल रहे हैं, पहले शामी बाद में सलाद ऊपर फिर अंडा। ऐसे फैसल भाई गारी का असल में ये शगिर्द खड़ा है छोटा भाई भी खड़े जी, जब रश होता है तो फिर फैसल भाई खुद आ जाते हैं ऐसे। ये तो भी तैयार हो गया, बस इनको गर्म करेंगे अंडा ऊपर डाल कर। ये तो याद है हमारे बर्गर तैयार है और हम लेकर जा रहे हैं। ये तो मैं पीस भी ले आया हूँ और बर्गर भी, पीस बच्चों ने खाया और हमने बर्गर भी खाया। बर्गर बहुत ही टेस्टी है, जैसे मैंने पहले भी हम खाते हैं वही जायका, वही अच्छी चीज़ है, बहुत ही म्यारी चीज़ बनाते हैं। जिस भाई को भी अगर अहमदपुर शहर के इर्द गिर्द रहता है तो रात के 2-3 बजे तक चौक चाचा बस्ती से ये बर्गर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आज हम यहीं पर वीडियो कर रहे हैं एंड, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे नई सुबह के साथ नए व्लॉग के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अच्छे से कमेंट्स करें।